देख रहे हैं टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर में आत्महत्याओं का दौर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा ही मामला इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र के गजराज नगर का है। यहाँ का रहने वाला युवक सुरेंद्र करौल अज्ञात कारणों के चलते घर में ही फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए एम्बो अस्पताल पहुंचाया। वहीं युवक ने आत्महत्या क्यों की है इसका खुलासा नहीं हो सका है, ना ही मृतक के पास से इसी तरह का सुसाइड नोट बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। क्या मामला है? ये मेरा मामा थे, आज सुबह में गए, जब इनने सुबह फांसी लगा ली थी तो नानी ने उतारा इनको। क्या सामने कुछ भी नहीं, हमने ढूंढा कुछ चिट्ठी कुछ भी नहीं मिली। क्या काम करते थे ये? प्लम्बरी का काम करते थे। तो क्या कुछ परेशानी थी या कुछ कर्जा ले रखा था? नहीं, कर्जा वर्जा कुछ भी नहीं ले रखा था, काम करते थे। काम क्यों अचानक इन्हें फांसी लगा? नहीं, हमको तो आज तक नहीं बता। काफी दो कुछ एक्सीडेंट हुआ था, कुछ पट्टा? हाँ, पट्टा चला था, उनका पैर फ्रैक्चर हुआ था, बाथरूम में गिर गए थे। तो अच्छा, तो कब उतरा पट्टा? एक महीने पहले चला था। ये इन्हें आज सुबह लगाई, जब हमारे पास फोन आया, जब हम गए सुरेन प्लम्बरी, ये अपना भी यहाँ पर रेंट से रह रहे थे बंगाली चुराए के यहाँ पर। रित्ती नंबर क्या हुआ है? मृतक का नाम है सुरेन, पिता रामेश्वर दरोले, उम्र 30 साल, निवासी गजराज नगर। इसने सुबह अपने घर पे फांसी लगा ली है। अब क्यों लगाई इसका कोई पता नहीं चला, जांच किया जा रही है। क्या करता था ये? मजदूरी करता था, काम फांसी लगाई है अपने घर में। क्या वजह सामने? अभी कोई बताया नहीं, अब पता चलेगा जांच में क्या है क्या। हाँ, माँ बता रही थी, इसका हाँ पैर वगैरह टूटा था, अभी कल ही पट्टा कटा था, तो परेशान रहता था ये। आज सुबह लगाई। नरेंद्र सिंह यादव, खजराना। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।